बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज विद काशिफ अली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान काशिफ अली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डायनासोर्स दरअसल कबलज़ तारीख नमोदार और नापैद हो जाने वाले जानदार हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान में डायनासोर्स कहा जाता है। ये बहुत सदियों पहले इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। अब इस दुनिया पर इनके ढांचे अजायब घरों में मिलते हैं। लगभग 16 करोड़ साल तक ये जानदार खाके अर्ज पर चलते फिरते रहे हैं। इनके ज़माने की इब्तदा 20 से 23 करोड़ साल कबल होकर 6 करोड़ 50 लाख साल कबल ख़त्म हो चुकी है। आज कुर्रा अर्ज पर उड़ते फिरते परिंदे डायनासोर्स की एक किस्म थेरोपोड की औलाद समझे जाते हैं। नाज़रीने ग्रामी, एक तखमीने के मुताबिक ये कायनात 13 अरब 70 करोड़ साल पहले वजूद में आई, जबकि हमारी ज़मीन जिस पर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को पैदा किया 4 अरब 50 करोड़ साल पहले वजूद में आई, और इस पर ज़िंदगी की शुरुआत ज़मीन के 1 अरब साल बाद यानी 3 अरब 50 करोड़ साल कबल अल्लाह ताला ने इस पर ज़िंदगी को पैदा किया। ये इब्तदाई ज़िंदगी यक खलवी थी, जिसको कसीर खलवी होने में मज़ीद 2 अरब साल लगे। अल्लाह ताला ने तमाम हयात को पानी में पैदा किया और फिर तकरीबन 47 करोड़ साल कबल तक ज़िंदगी मछली वगैरह से मिलते जुलते जानदारों जैसी रही। उसके बाद खुश्की पर भी अशरात नुमा ज़िंदगी देखी जाने लगी, जो खाके अर्ज़ पर मुख्तलिफ अदवार तय करती हुई कोई 20 करोड़ साल कबल हैवानातुल मुहीब तक पहुँची। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हैवानातुल मुहीब दरअसल कबलज तारीख नमोदार और नापैद हो जाने वाले जानदारों को कहा जाता है। डायनासोर्स यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है बहुत बड़ी और वहशतनाक झपकें। दोस्तों, डायनासोर्स की बात की जाए तो ये रंगों नस्ल में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ नज़र आते थे। जैसा कि टायरानोसॉरस, ये एक गोश्तखोर डायनासोरस था। इसकी लंबाई 6.1 मीटर थी और इसका वज़न 15,000 किलोग्राम था। ये 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ा करता था। इसके दांत इतने तेज़ होते थे कि जो लम्हों में अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख देते थे। स्पाइनोसॉरस, दोस्तों ये भी एक गोश्तखोर जानवर था। इसकी कमर पर एक बड़ी कुहान बनी होती थी। इसका मुँह बहुत लंबा और इसकी लंबाई 4.5 मीटर और इसका वज़न 21,000 किलोग्राम था, और ये 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से दौड़ा करता था। ट्रायसेराटॉप्स, दोस्तों ये ट्रायसेराटॉप्स फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक गेंडा नुमा और सब्ज़ी खोर जानवर था। इसके सर पर 2 सींग होते थे। इसकी लंबाई 3 मीटर और इसका वज़न 12,000 किलोग्राम था। ज़्यादातर ये टायरानोसॉरस का शिकार बनता था। एप्टोसॉर, दोस्तों ये सबसे लंबे कद और भारी भरकम जिस्म वाला एक सब्ज़ी और घास खोर जानवर था, जिसकी खुराक दरख्तों के पत्ते और घास हुआ करती थी। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती थी। और ये वेलोसिराप्टर, प्यारे दोस्तों दरमियाने कद का हामल ये भी एक गोश्तखोर डायनासोरस था, जो कि अपने से छोटे जानवरों का शिकार बड़े शौक से करता था। इसका वज़न 1500 किलोग्राम और इसकी लंबाई 4.5 मीटर होती थी, और ये 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ा करता था। स्टाइगोसॉरस, इसका सर और मुंह बहुत छोटा और इसकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी होती थी। इसका जिस्म बहुत भारी भरकम और कुहान कांटेदार और ऊपर को उठी हुई होती थी। इसकी खुराक दरख्तों के पत्ते और घास हुआ करती थी। नाज़रीन, सब्ज़ी खोर डायनासोरस अगट्ठे ग्रोहों की शक्ल में रहते थे, और जब ये डर कर भागते थे तो ज़मीन को लरजा देते थे। प्यारे दोस्तों, इनके नापैद हो जाने की बात की जाए तो साइंसदान इसके 2 तसव्वुरात पेश करते हैं। पहला तसव्वुर ये कि फ़लक में मौजूद किसी सियारे से एक बहुत बड़ा पत्थर ज़मीन पर गिरा, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगा और इतना बड़ा कि जिससे ये जल कर खाकस्तर हो गए। और दूसरा तसव्वुर ये बयान किया जाता है कि ये किसी नामालूम जल्दी बीमारी से मर गए। जो इनमें से बच गए वो इर्तगा की मनाजिल तय करते हुए परिंदों की शक्ल इख्तियार कर गए। बहरहाल जो भी है, ये तो बात तय है कि अल्लाह ताला ने इंसान की आमद से पहले ही इनको दुनिया से उठा लिया
और इंसान के लिए एक इबरत का निशान बना दिया। लेकिन यहाँ एक गिरोह ऐसा भी है जो कहता है कि इंसान की आमद के बाद ये दुनिया पर मौजूद थे और हाथी, शेर और दूसरे जानवर भी आ चुके थे, लेकिन तब के इंसान और जानवर बहुत कद आवर थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नॉलेज विद काशिफ अली सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।